వినా వెంకటేశం ననాదో ననాదేశ్వరాయ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. మంగళమాంగల్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. సింధూరారుణ విగ్రహం తమయన మాణిక్య మౌలీశ్వర తారానాయక శేఖరాం స్థితముఖీమవీన వక్షోరుహం పాణిఖ్యామణి పూర్ణరత్నశయం రక్తోత్తరం విప్రవీం సౌమ్యాం రత్నకరస్తరక్తకరణాం ధ్యాయే పరామంబిక ధ్యాయే పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయ దాక్షిం హేమాభాం పీతవస్థాం కరకరిజలసేమపత్రాం వరాంగి. मंदिर में गाती बजाती है और इस तरह घूमते रहती है, ये सब किसको दिखाने के लिए? लड़कों को? अच्छा, उस समय तुम मंदिर में थे क्या? जी हाँ, वही देख रही थी तुम. ओ, रहने तो, इस उम्र में कौन देखेगा. तुम्हारी जैसे खूबसूरत जवान औरत को हर कोई देखता है, मैं भी वही देख रहा था. समझ गई ना तुम? अब खुश हो बेटी? अंदर चलो. ए, बेटी जाओ खाना बनाओ. खटाई धूप में रख के बाहर गई थी, उसने ये सोचा होगा मंदिर से आने तक सारा घर का काम मैं कर दूंगी. अब चुप भी रहो, बेचारी कितना काम करती है, हमेशा तुम उसे डांटती रहती हो. नहीं चुप करूंगी, उस लड़की को मैं बेटी की नजर से कभी नहीं देखूंगी, वो मेरी बेटी नहीं है. वो भाग के नहीं आई है, यहाँ बच्चों की कमी उसी ने पूरी की है, समझ गई ना? हम लोग खानदानी लोग हैं, हम लोग किसी की जाति धर्म ऊंच नीच को जाने बगैर किसी से रिश्ता नहीं जोड़ते. मान लिया तुम एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की बड़ी लाडली बेटी हो और मैं एक छोटे खानदान का गरीब बाप का बेटा हूँ, फिर क्यों तुम्हारा बाप यहाँ आया था तुम्हारी शादी के लिए? उसी बाप की बिगड़ी हुई बदतमीज औलाद हो तुम. जाओ अंदर जाओ. देवी तुम्हारा भला करेगी बेटा. मैंने सोचा था बेटी बनाकर तुम्हें गले से लगा लेगी, अफसोस ऐसा नहीं हो सका. मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी. आज मंदिर की आरती के समय वो पूजा पाठ भजन सब बहुत अच्छे ढंग से हुआ, है ना पिताजी? हाँ, अच्छा हुआ भजन की वजह से. ए, ये तो ब्लेड साहब की गाड़ी है ना, एक रुपये को 10 रुपये बनाने वाला उस महान आदमी का. हाँ जी जी. हाँ, 80 ज्यादा उसे मत लूटना, थोड़ा उसे कम करके लेना, ब्याज के हिस्से में कुछ मेरे बारे में भी सोचना. ये गाड़ी साहब का 1 का 10 बनाया हुआ पैसा खा रहा है. अरे इंसान हो तो कुछ तमीज होनी चाहिए. ये लो, बुझाने के लिए ये पेन ले लो, अब और मुझसे कुछ नहीं मांगना. खुजली होगा तो खुजा कर रह सकता हूँ क्या? मुझे 200 रुपए चाहिए एडवांस. अरे बाप रे, मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया, मैं मर गया. डील होगा तब तो दर्द होगा. अरे कितना बड़ा पापी रे तू, तेरे जैसे इंसान को नौकरी पर रखूंगा तो जो तिल है मेरे पास वो भी गायब हो जाएगा. अरे एक गिलास पानी ला कर दो. अरे खुद ही लेकर जी लो, ठीक हो जाओगे. जिसको देखो उसी को एडवांस चाहिए.
गाड़ी लेकर आया। बन गया क्या शिव कुट्टी? बिल्कुल शोरूम कंडीशन में। अरे मालिक को बोलो इस खटारे को बेचकर कोई अच्छी सी नई गाड़ी खरीद ले। मेरा कहना यहाँ कोई नहीं सुनता। एक ड्राइवर रखने को बोला था वो भी नहीं मानते, उसे पगार देना पड़ेगा ना। क्या है रे बिल? 342 रुपया, ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, हिसाब में एडजस्ट कर लेंगे। ये नहीं चलेगा साहब, मालिक ने कैश लाने के लिए कहा है। इससे मालिक को क्या मतलब? कार मेरी, मेहनत किया तुमने। तेरी माँ जब गुजर गई थी तो उस समय तू किसके पास भाग के आया था? मेरे पास। उस समय मैंने तुम्हें 500 रुपये दिए थे, याद है? नहीं तुम्हें क्या याद होगा, लेकिन मुझे तो बराबर याद है। वो पैसे तो मैं ब्याज के साथ 2000 रुपए दे चुका हूँ ना आपको। वो तो सिर्फ ब्याज था, 100 का 10 रुपए के हिसाब से हर महीना 50 रुपए ब्याज होता है ना। अब 5 साल हो चुके हैं, 50 को 12 से गुणा करो, फिर उसको 5 से गुणा करो, अब बताओ कितने हुए? बोलो बोलो कितने हुए? ओ मुझे हिसाब मत दिखाइए साहब, ब्याज चाहिए और दे दूंगा। ये सुन सुन के मेरे कान बिल्कुल पक चुके हैं। तुम क्यों इस तरह सबको लूटते रहते हो? किसके लिए तुम ये सब बचा रहे हो बताओ? इसीलिए तो हमारे घर में इतने सालों से एक संतान भी पैदा नहीं हुई है। संतान का क्या करना है, तू एक है ना भैंस की तरह। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? शादी से अब तक एक धागे का टुकड़ा भी खरीद कर दिया है तुमने? एक रत्ती भर गहना बना कर दिया है क्या? भिखारी लालची हो तुम। ये घर तक मेरे पिताजी का दिया हुआ है। ये क्या बोल रही है तुम? आज मुझे पता चला कि तेरा बाप मिस्त्री है। चुप करो, तुम जाओ यहाँ से। ये जो भी तुम देख रहे हो ना, एक एक चीज मेरे पिताजी ने दी है। ब्राह्मण परिवार में इस तरह कहीं नहीं होता है, क्या ऐसा कभी देखा है तुमने? सुनो मेरी आंखों की रानी, हम ये घर बेच देंगे, एक एक सामान बेच देंगे, उस पैसों को हम लोग ब्याज पर लगाएंगे, लखपति बन जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, तुम अपने फायदे के लिए मुझे भी बेच दोगे। तुम मर्द हो क्या? मैंने इतने साल इनके साथ गुजारे हैं, उसका भी इन्हें एहसास नहीं है बिल्कुल। बस करो। शिवा कुट्टी रोहिणी, पार्वती कुमारी, जिन्हें प्रसाद मिल गया हट जाएं, बाकी आगे आएं। के लिए तुझे 3 घंटा लगेगा। उसे मत मारो। क्यों ना मारूं? उसे नहीं मारना है। तुम्हारी हुकूमत पुलिस स्टेशन पे चलेगी, इस घर में मेरी हुकूमत चलेगी। पुलिस इंस्पेक्टर को सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही नहीं और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, समझ गई ना? तीस 33 34 35 36 37 38 39 किसके लिए पानी? आपके लिए। मैंने तो मंगाया नहीं। मैं एडवांस में ही लाकर रख दिया, क्योंकि मैं 50 रुपए एडवांस मांगने के लिए आया हूँ, इसलिए पानी की जरूरत पड़ेगी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तुमने मुझे बेमौत मार डाला रे।
जंग के मैदान में सिपाही की तरह दुश्मन बन के मेरे पीछे पड़े हो। एक बार तो मेरा कहना सुनिए। मुझे कुछ बस सुना। अरे बाप रे। चालीस, इकतालीस, बयालीस, पैतालीस। एडवांस मिल गया क्या? उन्हें हार्ट अटैक आ गया, अब तक तो मर गया होगा। इसमें क्या खराबी है? ये जरा सही ढंग से चेक करो शिवा। मैं अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। अभी तक मैंने तुम में कोई खराबी नहीं देखी। तुम एक अच्छे इंसान हो। मेरी बेटी है पार्वती। पार्वती से शादी करोगी? मुझसे कहे बगैर शादी की बात तुम अकेले ही करोगे तो नहीं चलेगा। तो ठीक है, तुम ही फैसला करो, शादी कब करवानी है। मैं पूछती हूँ, इतनी जल्दी उसकी शादी कराने की क्या जरूरत है? ये चली जाएगी तो इस घर का काम धाम सब कौन करेगा? तुम अपने घर का काम काज करना शुरू कर दो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। या तो अपनी बहन को बुलवा लो। देखो, मेरे बहन के बारे में कुछ नहीं बोलना। इस तरह आप लड़िए मत। शादी के बाद भी इस घर का काम काज मैं कैसे भी करके जरूर कर लूंगी। माँ बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? दिन भर तो मैं अकेली ही रहूंगी, इसीलिए सुबह यहाँ आकर सारा कामकाज करके शाम को वापस चली जाऊंगी। गरीब बेचारी, तुम जिस तरह इस पे जुल्म कर रही हो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान मुझे माफ करे या ना करे, मैं तो ऐसे ही हूँ, समझे ना तुम। शिवा, शिवा, इस तरह तुम बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर बैठो ना। आओ बैठो। हाँ बैठो। ये 2000 रुपए हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा करके जमा किए हैं। ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वैसे तो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, शादी में मेरी तरफ से ये काम आएंगे। खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, शादी होने तक लड़का लड़की दोनों का घर यही है, तुम दोनों यहीं पर रहो। पार्वती मेरी बेटी है और तुम मेरे दोस्त, आया समझ में? रहना तो जी, शादी का सारा खर्च हमारे मत्थे ही है, लड़की की तरफ का भी और लड़के की तरफ का भी। मेरा बाप लाखों कमाकर रखने के लिए तुम्हारे पास दिया है ना, इसलिए तुम उड़ाओ। तुम्हारे बाप की कमाई की एक फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए, समझ में आया? इस नेक काम के लिए तो और भी नहीं चाहिए, इसके लिए मैं प्रोविडेंट फंड से लोन लूंगा। मेरे पुरखों का एक पुराना घर है, शादी के बाद तुम दोनों उसी घर में रहोगे, मेरी यही तमन्ना है। मैं चलता हूँ। हाँ। टिकट रख लो, एक दिवाली का है और एक तमिलनाडु का। जब पैसे नहीं है तो लॉटरी का टिकट खरीदने की क्या जरूरत है? हम जैसे लोगों का सपना देखने का यही रास्ता है, लॉटरी टिकट। पिछले महीने की लॉटरी टिकट किसको लगी है पता है? एक झाड़ू वाले को।
हम उतने किस्मत वाले कहाँ हैं? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मैं किस्मत वाला नहीं होता तो तुम जैसी बीवी मुझे कैसे मिलती? सोने जैसी बेटी मेरे घर कैसे पैदा होती? अरे बिंदिया मत हटाना, पिताजी ने तो अभी अभी कहा था कि मैं सोने जैसी हूँ, तो सोने के माथे पर बिंदिया किस लिए? अरे देखो तो कौन आ रहे हैं? दुर्गा चाची। वाह ये देखो, दुर्गा को दुर्गा जैसी बेटी कितनी जल्दी पहचान गई। यहाँ बेटी। आज क्या खास बात है? आज खास एक बात है कि डैडी के हाथ में पैसा नहीं है। पैसे का तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी दौलत तो ये बेटी है। तुम्हें एक बच्चा होने के बाद इस बच्ची को हमें गोद दे देंगे क्या? तुम इस बात को दिल से मत लगाना, मैं ही मजाक में कह दिया। ये लो, मंदिर से मिला हुआ खीर है। ये खीर दुर्गा के लिए मैंने अलग से निकाल कर रख दिया था। बेटा इसे अंदर ले जा, माँ बाप को खिलाना और तुम भी खा लेना, ठीक है? उनके आने का समय नहीं हो गया? नहीं अभी आने में थोड़ा समय है, यदि तुम्हें जल्दी है तो तुम जा सकते हो यहाँ से। ईश्वर का दर्शन पाना इतना आसान नहीं होता। मैंने सुना है अपने एमएलए साहब आने वाले हैं, ये सच है क्या? पहले उनके चेले आएंगे बाद में स्वामी जी। ए छोटे, सबकी जानकारी अच्छी तरह से ले लिया है ना? समझाने की जरूरत नहीं है, जो नसीब में मिलेगा। वो तो है ही, कल नीली साड़ी नीली ब्लाउज वाली को ला के मिलाया था, उसको देखा तो वो पहाड़ जैसी लगी। ये तेरी मोटी अकल की वजह से ऐसा हुआ है, समझा? पहले कभी तुम उनसे मिली हो क्या? नहीं, एक औरत की शादी हुए 45 साल हो गया था। माँ ने जब मुझे ये बात बताया तब मुझे यकीन हुआ। इनसे मिलने के बाद हाँ, अब वो औरत माँ बनने वाली है, और ये सब उनके आशीर्वाद का फल है। मैंने दो बच्चों को जन्म दिया, दोनों मर गए। अब ये महापुरुष का आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे लग रहा है जनवरी के बाद मेरा वक्त बदलेगा। हम जिस भगवान को मानते हैं उसे कभी देखा नहीं, लेकिन आज आंखों से देख लेंगे। मेरी अभी ज्यादा तो उम्र नहीं है ना? उन सब में जो सबसे आगे खड़ी है वो सेवक की औरत है। कुछ पूछना है तो पूछ लो। वो तीसरे नंबर की लाल साड़ी वाली कौन है? देखने में तो बहुत पैसे वाली लगती है, तू जानता है उसे? वो तो पता नहीं है, तो कुछ भी फेंकना नहीं। हाँ आप लोग दरवाजे पे क्यों खड़ी है, अंदर आकर खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा। आपका आदमी बिजनेसमैन होगा? नहीं, वो पुलिस इंस्पेक्टर है। अरे मेरा नाम भी लिख लो, मेरा नाम दुर्गा है। नाम और पहचान की कोई जरूरत नहीं है, दिव्य शक्ति से स्वामी सब पहचान लेते हैं। तुम थोड़ा यहाँ से हटके खड़ा रहो, इधर औरत लोग हैं, दिखता नहीं है क्या? आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। तुम सब लोग थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ए आप उधर रहिए, उधर रहिए, पीछे हटो। आप उधर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए। ओ दक्षिणा इधर आइए, दक्षिणा इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। आओ हाँ, तुम वहाँ तीसरे नंबर पे जाओ। हाँ इधर तो, हाँ स्पेशल दक्षिणा नंबर वन। आओ आओ तुम आगे आ जाओ, हाँ यहाँ पर। हाँ उधर जाओ, उधर जाओ, हाँ ठीक है इधर आओ। हाँ ये तुम इस पवित्र जगह पर रिश्वत ले रहे हो, कितनी शर्म की बात है। छोटे वो बड़ा सिद्धांत वाला है, उसको समझा के भेज दो। जाओ जाओ जाओ, आज दर्शन नहीं कर सकते हो, जाओ, स्वामी की तबीयत खराब है, जाओ। हाँ आज दर्शन नहीं हो पाएंगे, स्वामी के दिल में दर्द है, इसलिए कुछ ही लोगों से मिलेंगे। अब जाइए जाइए जाइए। अभी पूजा चल रही होगी, अब शिष्य लोग आरती के बाद स्वामी जी को बुला कर लाएंगे। Thank you.
सभी भक्तजनों, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। आओ। माँ की तकलीफ, पीड़ा यानी सोना, अथवा पुण्य माताजी अथवा माँ, पुण्य यानी पुण्यमा तुम्हारा नाम है ना? हाँ स्वामी जी। ओम शक्ति। गुनहगार को सजा देना उनका कर्तव्य है। इसका मतलब पुलिस वाला बच्चे नहीं है, पैदा हुए मगर नहीं रहे, सही है ना? दोनों बच्चे पैदा होते ही स्वामी जी हमारी रक्षा करें। अब आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। ओम शक्ति। ओम शक्ति। ये मेरा तस्वीर पूजा घर में रखकर इसकी पूजा करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। चाहे कुछ भी बोले दुर्गा, तुमने जो किया वो गलत है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था दुर्गा। वो कैसे कैसे चमत्कार दिखाते हैं, तुम वहाँ जाते तो तुम्हें भी विश्वास हो जाता। मेरा विश्वास सिर्फ एक ही जगह केंद्रित है, वो है सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म। मैं उन्हीं की आराधना करता हूँ, वही एक साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने आज तक हम पर कोई दया नहीं की। अगर हम पर दया की होती तो मैं माँ नहीं बन गई होती। सब काम वक्त पर ही होता है, शायद वो वक्त अभी आया न हो, यही प्रकृति का नियम है। यही सपना लेकर कितने लोग आज भी इंतजार में हैं। डॉक्टर का इलाज करा करा कर थक गए हैं। कितनी औरतें स्वामी जी के आशीर्वाद से माँ बन चुकी हैं। चुप करो, जो भगवान नहीं कर सकता वो काम एक साधारण इंसान कर देगा। ऐसे अंधविश्वासी लोगों में से मैं नहीं हूँ। आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगी, बस। आह, अभी तक तेरा काम पूरा नहीं हुआ क्या? कितने सारे कपड़े धोने को पड़े हैं, समय क्या हुआ पता है? हाँ माँ, मैं अभी आई हूँ, वो भी करके जाऊंगी। मम्मी मम्मी, हाँ बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बेटी तू घर जा, मैं काम खत्म करके तुरंत आती हूँ। मुझे भूख लगी है मम्मी। बेटी जाओ, मैं आके उपमा तुम्हें खिलाऊंगी। Thank you.
मेरा साथ तो खजाना है, खजाना है। खजाना? हाँ, हाँ खजाना। हाँ? तुम मेरा साथ तो महालक्ष्मी मेरे सपनों में आई थी। हाँ, खोदो। हमारा नसीब है, हमारी किस्मत चमकने वाली है। खोदो, खोदो, जल्दी मिट्टी निकालो। हाँ? हे भगवान, हमें खजाना मिल जाए, हम दौलतमंद हो जाए। जल्दी से खजाना निकलाए। हाँ? मिल गया, मिल गया। क्या? खजाना? अरे ये क्या है? लगता है खजाना मिल गया। भगवान ने हमारी सुन ली। देखो क्या है इसमें? क्या है? हे भगवान, खजाना है, खजाना। मुझे लग रहा है इसमें सोने और हीरे जवाहरात हैं। हाँ? वो सब छोड़ो, तुम कलश पकड़ो, सोना कलश के अंदर होगा। ये सारे स्वर्ण होंगे। अंदर गोल जैसा कुछ है। मैं हाथ डाल के देखती हूँ। तू हटना। इसको फोड़ते हैं, फोड़ते हैं। हाँ। जल्दी करो। बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं निकले जिसमें से। इधर लाओ, मैं देखती हूँ। हे भगवान। अरे चुप रह, चुप रह। हमारी आवाज सुनकर अगर गांव वाले इधर इकट्ठे हो गए तो। अरे मेरे दिमाग में एक सुझाव है। ये कलश वाली बात हम सिद्धि स्वामी को बता देंगे और वो एक ही मंत्र में सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे आश्रम में आने वाले लोगों को कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। लोगों को बेवकूफ बनाने वाले पाखंडी साधु जैसा नहीं हूँ मैं, धोखेबाज भी नहीं हूँ मैं। अंतरात्मा की आंखों से मैं तुम सबको देखता हूँ। अंदर में यहाँ हम दोनों जो है, इसलिए तुम्हारा काम चल रहा है। हमारे यहाँ आने से गूंगे लोग बोलने लगे, संसार के बांझ लोग यहाँ आने से माँ बनी। तुम्हें अकल नहीं है क्या? इस धोखेबाज का तुम लोग पैर छू रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये स्वामी नहीं है,
ये लोगों को लूट कर उनका खून चूसने वाला धोखेबाज मक्कार है। तुम लोग सब मेरा साथ दो, हम लोग इसे पुलिस के हवाले करेंगे। इस बदतमीज को किसने अंदर आने दिया? ये स्वामी के बारे में इस तरह अनाथ शराब बोल रहा है और आप लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। तुम इज्जत से बाहर चले जाओ, सिद्धि स्वामी के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। शांत हो जाइए, अगर मेरे अंदर दिव्य शक्ति है तो उसका सही सबूत ये नौजवान खुद देगा और आप सभी लोग देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ी भूल हो गई, मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो स्वामी जी। स्वामी जी मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। सोने की लालच तुझे सच्चाई बताने से रोक रहा। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। स्वर्ण कलश के बारे में ही तो मैं आपसे कहने आया था। मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। कल शाम को 6 बजे तुम अकेले आकर मुझसे मिलो तो शक्ति का दर्शन हो जाएगा। भगवान, 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ 500 रुपए? मेरे एक परफॉर्मेंस से पता है स्वामी की कमाई डबल हो जाएगी, समझ गए कि नहीं? कम से कम 1,000 मिलना चाहिए। अरे मेरे छोटे भाई, इसे देवी का काम समझकर जो मिला है उसी में संतोष कर लो ना। इस तरह झगड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत बड़े सिद्धि स्वामी हैं। काहे का सिद्धि? अरे ऐसा मत कहो, तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। उन्हें सिद्धि प्राप्त है, वो पूजा पाठ हमेशा करते हैं। पिछले शुक्रवार को एक आदमी को उन्होंने स्टेचू बना दिया। मूर्ति हिसाब करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ठीक है, कभी जरूरत पड़े तो बुला देना। हाँ जाओ, ठीक है। भाई क्या है? बाकी का आधा आधा। कौन सा बाकी? 1,000 का आधा 500 डायरेक्ट और 500 का आधा 250 मेरे छोटे भाई, ये हम दोनों के ज्वाइंट अकाउंट में रहेगा ना? वो नहीं चाहिए, अकाउंट सेपरेट ही रहने दो, मुझे तुझमें विश्वास नहीं है। ए सुनना, मैं जब गुरु बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, ठीक है? और पहले मैं गुरु बन गया तो? ये हमारा देश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर तू पहले गुरु बना तो मैं ही तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। इसी तरह यहाँ आप तक चलता आया है। ये लो 50 रुपये, छुट्टा नहीं है, शाम को ले लेना। ओ 50 तो गया। तुम्हारे दिल में क्या है मैं जानता हूँ, फिर भी तुम सब कुछ खुद अपने मुंह से बताओ, तब जाकर हल निकलेगा। ये दोनों मेरे शिष्य हैं, डरने की कोई बात नहीं। सोने से भरा एक कलश मेरे जमीन में दबा है, देवी ने स्वयं मुझे सपनों में बताई है। ये देवी ने नहीं, मैं खुद तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए इस तरह का विचार डालकर सपनों में दिखाया। तो फिर ये सच नहीं है? मैंने खुद वहाँ पर देवी के 2 पैर देखे हैं। जरूर देखा होगा, खजाना वहीं पर है, लेकिन मेरे मदद के बिना तुम उसे नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आज मैं महाशक्ति प्राप्ति के लिए महापूजा करने जा रहा हूँ,
आज से सातवें दिन रात को एक कन्या पूजा रखना होगा। उसमें 6 साल की छोटी उम्र की बच्ची को पूजा में बैठना होगा। सातवें दिन का शक्ति पूजा मैं तुम्हारे घर पे ही करूंगा। मैं जितनी लड़कियां चाहिए लेकर आऊंगा, लेकिन खजाना मुझे मिल जाना चाहिए। पूजा खत्म होने तक उस लड़की के साथ कोई नहीं रहेगा। वहाँ पर वो लड़की सिर्फ अकेली रहेगी, और वो लड़की बदसूरत नहीं, बिल्कुल खूबसूरत होनी चाहिए। उसके माँ बाप भी साथ में नहीं रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुझे खजाना चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। लड़की नहीं होगी तो खजाना मिलना असंभव है। हर चीज को हासिल करना मैंने सीखा है। मम्मी मम्मी, तेरी माँ अभी काम कर रही है, तू अपना स्कूल बैग यहाँ रख दे, कुआं से पानी निकाल कर सब में भर दे, समझी? तू गई नहीं अभी तक? मैंने सोचकर कहा कि पानी का बर्तन खाली है, भर देगी। क्या मुसीबत है, रो मत बेटी। खाना खाओ बेटी, उसे खिलाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ये सब क्या है, कैसे हुआ? नानी माँ के घर में पानी भरने से हुआ। पार्वती, शादी के बाद भी तुम उस घर में जाके गुलामी कर रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी बेटी उनकी गुलामी करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देवी की कसम खाती हूँ, ये कब वहाँ पानी भरने गए मुझे पता ही नहीं चला। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। पिताजी, पिताजी तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। कोई भी नहीं खाएगा, ऐसा मत करो ना जी। लड़कियाँ मिली, कैडबरी चॉकलेट सबको खरीद के देता रहा, कितने सारे बच्चों को खाली पैसों की बर्बादी हुई। अच्छा एक बात तुमसे पूछूं? हाँ पूछो। इससे पहले यहाँ पर इस तरह लड़की को सामने रखकर पूजा पाठ हुआ है क्या? सिर्फ छोटी लड़कियों को रखकर थोड़ी ना, जवान जवान लड़कियां वो भी खूबसूरत को रखकर खास पूजा पाठ करते हैं स्वामी। बसंत पूजा, कृष्ण पूजा, शरद पूजा, हेमंत पूजा, आषाढ़ पूजा। सेठ जी, इस वक्त इन्हें और हमें अंदर एंट्री नहीं है, स्वामी इंतजार कर रहे हैं, तुम अंदर जाओ। उसके बाद तो सिर्फ मंत्र उच्चारण को ही आवाज सुनाई देती है। बहुत सारी शक्तियां सिद्धि के अंदर वास करती है ये सुना है, लेकिन हमने नहीं देखा है। हो सकता है, हो सकता है वो खुद ही एक
महान शक्ति की मूर्ति हो, उस महाशक्ति के अंदर वास कर रहे हैं हम दोनों। हे भगवान, ये याद रखना, नहीं हम लोगों को याद रखना। सुनिए, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, कोई बात नहीं है, हमें हमारा पगार और बोनस चाहिए, नहीं तो हम इसका धंधा बंद करा देंगे। मेरे प्यारे शिवा, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, जिसे मैंने माल दिया है उसका भी पेमेंट आना बाकी है, उसके मिलने तक तुम अपनी स्ट्राइक वापस ले लो। सुनिए, हम अपना स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे। अरे बाप रे, जब भी पैसा मांगते हैं तुम्हारे सीने में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे सचमुच सीने में दर्द हो रहा है, अंदर ड्रावर में गोली पड़ी है, कोई तो जाकर मुझे दवा ला कर दो। स्ट्राइक में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन किसी की जान नहीं लेने दूंगा। अगर वो मर गया तो हम सब उसकी मौत के जिम्मेदार होंगे। रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हारा शिवा कुट्टी बोल रहा हूँ, मुझे अभी दवा देने दो। हाँ, अब तुम सब लोग साइड हो जाओ। अरे आज काम की जगह पे बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। क्या हो गया? मजदूर मालिक का झगड़ा, पगार के लिए सब उसके पीछे पड़ गए, वो धंधा बंद करके घर चले गया। ये ऐसे क्यों सो रही है? तबीयत ठीक नहीं। दवाई खाई के नहीं? कल रात में ही बताया था दवा खत्म हो गई, अभी तक उसने कुछ खाया भी तो नहीं है। मैंने उसे खिलाने की बहुत कोशिश भी की, आपके लिए रुकी थी, और घर में एक पैसा भी नहीं है। अभी एक काम करो, तुम खाना खा के सो जाओ, हम लोग जो है कल सुबह सुबह घूमने साथ चलेंगे। अच्छा पिताजी, तुम कहाँ जा रहे हो? साइकिल बेचने। नहीं जाना पिताजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। साइकिल बेचो, मम्मी देवी नारायण शंकर नारायण की पूजा पाठ करेगी तो वो सब कुछ हमें देंगे, ऐसी मेरी मम्मी कहती है। मैं रोज भगवान के नाम और जप करती हूँ पिताजी। बेटा, देवी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। ये क्या अम्मा बेटी भगवान के बारे में बातें कर रही हो? ये लो तुम्हारे लिए मन पसंद का गिफ्ट। ये कुर्सी टूटी हुई है, इस पे मत बैठी, टेबल पे बैठ जाइए। ओहो, एक किराएदार 1,00,000 रुपए के साथ घर की मालकिन को लेके फरार हो गया। मैंने और दो सिपाहियों ने उसे बहुत ढूंढा, 3 महीने तक सारे इलाके में उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। कैसी हो बेटा, पढ़ने जाती हो ना? हाँ पढ़ने जाया करो। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे एक आदमी से अर्जेंट मिलना है। खाना खाकर जाइए। घर में चावल नहीं है तो खाना कैसे बनेगा? क्यों झूठ बोल रही हो मम्मी? तुम लोगों के साथ मैं सुख में ही नहीं हूँ बेटा, दुख में भी तुम लोगों के साथ हूँ, समझ गई? चलता हूँ। नाना जी मेरे लिए क्या लाए हैं? दिखाओ ना। हैं? मम्मी के लिए साड़ी और इतने सारे रुपए? शायद उन्होंने गलती से रख दिया। नहीं, पिताजी ने जानबूझकर रखा है। देखकर चलो बेटा। क्या हो गया सेठ जी? हाँ, तू आ गया है तो काम हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, देखो तो क्या हुआ है। वहाँ पर वो लड़की सिर्फ अकेली रहेगी, और वो लड़की बदसूरत नहीं, बिल्कुल खूबसूरत होनी चाहिए। देवी की तरह खूबसूरत है ना भाग्यवान? बेटी तेरा नाम क्या है?
दुर्गा। कौन से क्लास में पढ़ती हो? दूसरी क्लास में। बहुत अच्छे, एक दिन तुम इस मामा के घर पे जरूर आना। तुझे चॉकलेट, केला, जो कुछ चाहिए मैं खरीद कर दूंगा। फिलहाल चल जाएगी। सेठ जी, घर तक पहुंचना है तो थोड़ा पेट्रोल डाल लीजिएगा। चलो बेटा, चलता हूँ। टाटा। पेट्रोल डालने को बोल रहा है। बच्ची मिल गई स्वामी। पूजा के लिए बच्ची का इंतजाम हो गया। बहुत खूबसूरत बच्ची है। खजाना जहाँ पर है वहीं पर इस पूजा का खास इंतजाम करो। इसका मतलब पूजा मेरे घर पर होगा? हाँ, पूजा चलते समय मैं, तुम और मेरे शिष्य लोगों को छोड़कर कोई भी दूसरा नहीं रह सकता है। तो फिर मेरी घरवाली? वो भी नहीं रह सकती है। जो काम मैं करने जा रहा हूँ उस काम में औरतें नहीं रह सकती। उसकी चिंता मत कीजिए, कुछ भी बहाना बनाकर मैं उसे मायके भेज दूंगा। ओम शक्ति। हे भगवान। ये लो, इस लिस्ट में जो सामान लिखा है मंगवा लो। इसमें से आधे सामान का मैं इंतजाम कर सकता हूँ। हर सामान का भाव आसमान छू रहा है। आधा सामान आश्रम के खर्चे से चलेगा। हे भगवान। तो फिर खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें आश्रम को देना पड़ेगा। नहीं, मैं सब खरीद लूंगा, सब मैं खरीद लूंगा, चाहे जितना भी खर्चा हो। मैं पूरा खजाना लूंगा। बहुत दिनों से स्वामी कह रहे हैं कि महाशक्ति प्राप्ति के लिए कोई बड़ा काम करना चाहिए। इसी सिलसिले में लगता है स्वामी इसे बकरा बनाकर हलाल कर रहे हैं। ऐसी बात है तो हम लोग अपनी जान बचाकर निकल लेते हैं, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। हेलो दीदी, बोल रही हो? कैसी हो? मैं शिव शंकर बोल रहा हूँ। शिव शंकर, कैसे हो तुम? माँ पिताजी सब ठीक है ना? क्या बात है? राजमणि हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे मेरे राजामणि को क्या हो गया? ज्यादा कुछ नहीं, अब तक तो सिर्फ दो बार खून की उल्टी की है। दो बार खून की उल्टी? भगवान क्या हो गया मेरे राजामणि को? मैं भी निकलती हूँ यहाँ से। काम बन गया। कल्याणी एक बैग लेके आ। क्या हो गया मेरे राजामणि को? अब क्या होगा, क्या करूं मैं? मैं घर जा रही हूँ, मालिक यहाँ अकेले रहेंगे इसलिए तुम घर चली जाओ। एक हफ्ते के बाद आना। ये लो। राजामणि कहाँ है? क्या हो गया? मेरा राजामणि मौत के मुंह में है, पता नहीं अब क्या होगा। उसने चार बार खून की उल्टियां की है। चार बार तो उल्टी नहीं हुई होगी। हाँ, दो बार उतना ही खून होता है इंसान के अंदर। मेरे राजामणि को खून की उल्टियां हुई है और तुम्हें मजाक लग रहा है? अभी अभी शिव शंकर ने मुझे फोन करके बताया है। ऐसा क्या? तो फिर तुम जल्दी निकलो। तुम कार से मुझे वहां तक छोड़ दो। ड्राइवर रखने को कहा था, वो भी तुमने नहीं किया। ऐसा नहीं होगा भाग्यवान,
क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डालना होता है, मोबिल डालना पड़ता है, खर्चा ही खर्चा है। 100, 200, 100 बस से जाने के लिए पैसे नहीं तुम्हारे पास? नहीं है, इधर लाओ। हे भगवान। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ। तुम ध्यान रखना, घर पर ही रहना। मेरे राजा मणि को क्या हो गया? मेरे आने तक कल्याणी यहाँ नहीं रहेगी, तुम अकेले सब संभाल लेना। खर्चा ही खर्चा है। एक भी अगरबत्ती नहीं। बेटी तो दुकान में जाकर शालीमार बत्ती का पैकेट ले आएगी। लो। एक पैकेट शालीमार अगरबत्ती देना। आहा, अरे रुको रुको बेटी, तू दुकान से क्या लेने आई थी? दिखता नहीं क्या शालीमार अगरबत्ती? थी मामा के साथ आओगी तो चॉकलेट लेकर दूंगा। तेरे पिताजी कुछ नहीं कहेंगे। तेरे मम्मी पापा मेरे रिश्तेदार हैं। मेरी गाड़ी जब बिगड़ी थी तो उन्होंने ही बनाए थे, तुमने देखा था ना? मम्मी को बता के आती हूँ। अरे मेरा घर पास ही है, जल्दी आ जाएंगे। मेरे घर में देवी है, मैं बेटी को देवी से मिलाऊंगा। देवी को हर रोज देखती हूँ मंदिर में, वहाँ तो सिर्फ मूरत है। मेरे यहाँ तो सचमुच की देवी है, बहुत शक्ति वाली देवी है, उसकी पूजा बहुत बड़े साधु करते हैं। सचमुच मुझे देवी से मिलाओगी ना? देवी से मिला भी दूंगा और बात भी करा दूंगा। अब खुश चलो चले। तुझे देवी से मिलवाऊंगा, बात भी करवाऊंगा। बस आ गया, इधर ही है मेरा घर। चलो चलो देवी से मिलवाता हूँ। यह जो इंतजाम किया गया है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो जैसे ही बच्ची को लेकर आ जाएगा तुम तुरंत आश्रम चले जाना। जब मुझे शक्ति प्राप्त होगा तो तुम्हें भी उसका फायदा होगा, ये मत भूलना। वो एक शातिर चोर है, इसीलिए उसे आश्रम में छोड़कर तुझे अपने साथ यहाँ लाया हूँ। तुमसे मिलने देवी खुद यहाँ पर आने वाली है। वो नहीं आई तो मैं उनसे बुलाऊंगा। ओम काली महाकाली। बच्ची तुम इस पर बैठ जाओ। तुम यहाँ पर बैठ जाओ। एक मिनट के लिए हम दोनों को आंख बंद करके मौन धारण करना होगा और उसके बाद बलि विधि पूजा का आरंभ होगा। मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे कहने से इसका मैंने इंतजाम किया। अब तुम पीछे हटोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मैं कह गई तुम्हारी बीबी कभी लौट के नहीं आएगी। तुम भी यहीं पर खून की उल्टी करके तड़प के मर जाओगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खजाने की लालच छोड़ देता। ओम। मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे मम्मी के पास। तुम्हें देवी से नहीं मिलना है क्या? मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। चलो। मम्मी। मैं तुम्हें देवी से मिलाता हूँ। मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी। बेटी तू रो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा, यहाँ से ले चलूंगा। हाँ डर मत। चल, हाँ हाँ चल।
हाँ ए हाँ में बैठाने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। इसी में हम दोनों का भला होने वाला है। तुझे खजाना और मुझे सिद्धि। बेटी, तुझे घर जाने का रास्ता मालूम है ना? तू जल्दी जा। तेजप्पा, हाँ, इस बच्ची को बचाना है। तू उधर रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बच्ची को संभालता हूँ, तू आ। बच्ची भाग गई। वो जाके घर में सब कुछ बता देगी तो हम दोनों फंस जाएंगे। किसी भी तरह उसे ढूंढना है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे रे रे, हे भगवान, अगर वो बच्ची जिंदा बच गई तो पूरे गांव वाले आश्रम को जला देंगे। क्या? अरे मुझे कहां ले जा रहे हो? छोड़ो। से जब पूछा उसने बताया बच्ची अगर मत्ती लेके कब की चली गई। शायद नानी के यहाँ गई होगी। तुम वहां जाकर ढूंढो, मैं बाहर ढूंढता हूँ। बच्ची दोपहर में गुम हुई और तुम मुझसे यहाँ रात में पूछने आई हो। ये भी कोई बात हुई? कहीं मरी पड़ी होगी, जाके वहाँ ढूंढ ले। प्रार्थना करने वाली उस बच्ची को क्यों मार डाला बता? जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने तेरी पूजा की है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ? क्यों तुम किया? रो मत पार्वती, तुमने देवी की आराधना की, उन्होंने हमें बच्ची दी, आज उन्होंने अपने पास वापस ले ली। मुझे मेरी बच्ची चाहिए।
मुझे मेरी बच्ची चाहिए। माँ अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम मेरी बेटी को लौटाओगी, नहीं तो ये मैं मानूंगी कि तुम देवी नहीं पत्थर हो। पार्वती तुम देवी के बारे में ऐसे अनाप शनाप मत बोलो, मेरी बात सुनो। नहीं चलो। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे देख रहा है उसे, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मेरे मुझे मेरी बच्ची चाहिए। चलो पार्वती। बच्ची यहाँ पर आई है, कैसे औरों को पता चला? हम लोगों ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, किसी से कहेंगे भी नहीं। इस दुख के अवसर पर वहाँ जाना हमारा आवश्यक है गुरुजी। तूने सही कहा। बेटी तू कहाँ थी? सभी लोगों को तूने परेशानी में डाल दिया ना? मैं कहाँ थी ये आपको पता नहीं था क्या? जल्दी जाओ बेटी, माँ तेरी तड़प रही है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। देखो हमारी बेटी। बेटी कहो ना बेटी, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तो मंदिर के अंदर थी। मंदिर में थी? ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे कुछ मत पूछो। यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ, हम लोग चलते हैं। तुम शिवकुटी को नहीं जानते क्या? बुलाओ उसे। शिव शिव बहुत देर से काम कर रहे हो, आज शाम तक गाड़ी की डिलीवरी दे सकते हो कि नहीं? हाँ दे देंगे। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। सुनो भाई शिव, तुम्हारी देवी की दया से वो बच्ची लौट के नहीं आई है। मैंने भी भगवान को 151 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, इसलिए वो लौट कर आई है। देवी हो या भगवान हो, है तो सब एक ही ना। सेठ जी सब उसकी लीला है। हाँ हाँ ये तो है ही, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे महादेव मध्यवर्गीय लोगों के महादेव हैं, निर्धनों के महादेव हैं, सभी के महादेव हैं। स्वामी इंस्पेक्टर नारायण से अगर उस बच्ची ने सब कुछ बता दिया तो? तू पागल हो गया क्या? वो लड़की खाई में गिर कर हमारे आंखों के सामने मरी है। तो फिर ये लड़की कौन है? चेहरा भले ही उसका मिलता हो लेकिन ये लड़की कोई और है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। मैं अपनी शक्ति से ये पता कर चुका हूँ। अब देखना मेरा तंत्र विद्या की शक्ति। इसका मतलब अंदर जाने के लिए दिन गिनना शुरू करना पड़ेगा है ना? मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। Thank you.
सिद्धि भ्रष्ट हो गई है और नहीं तो क्या। बदतमीज, तुझे पूजा घर में आने के लिए किसने कहा? नहा धोकर तो तू आई नहीं होगी, इसलिए शायद दिया बुझ गया। मैंने कुछ नहीं किया नानी। उल्टा जुबान लड़ा रही है, तेरी माँ किधर है? इधर कितना काम पड़ा है और अभी तक वो आई क्यों नहीं? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, ये बताने के लिए मैं आई हूँ। जो काम मम्मी करती है वो सब मैं कर दूंगी। तू, तुझे खाना बनाने आता है क्या? मुझे सब काम आता है। इतनी जल्दी? चावल बन गया क्या? हाँ बन गया, सब्जी भी बन गई। पापड़ सेक ली क्या? हाँ सेक लिया। अगर झूठ बोलेगी तो तेरे कान के नीचे बजाऊंगी। अच्छा खाना बन गया है तो ठीक है, पानी का बर्तन खाली है, जाके कुएं से पानी निकालकर सारे बर्तन में भर दे, चल जा। हाँ। पहले से ही पानी था क्या? एक बूंद भी नहीं था, सब मैंने भर दिया नानी। अरे ये क्या, लगता है तेरे हाथों में कोई जादू है, अभी तेरी जादू निकालती हूँ। चल चल इधर आ जा। ये सब पुराने बर्तन हैं, इसे अच्छी तरह घिसकर चमका दे, इसके बाद सारे काम पड़े हैं धो डाल। ये सारे काम करने के बाद ही तुझे खाना मिलेगा। खाना खा ले। ये तो कल का खाना है, मैं कैसे खाऊं? मुझे नहीं चाहिए। जो दिया है चुपचाप खा। जादू टोना किया है।
कैसे हुआ है तुझे अभी बताती हूँ। वर्षों से बोलती ही चली आ रही है, अब इनकी जुबान को आराम करने दो। पिताजी कैसे बातें कर रहे हो, उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट को दिखा चुका हूँ, कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। परेशान कर दिया, उसके सर पर बिजली गिरे भगवान करे। सुनो, पता है जब मैं घर पहुंची तो राजा मणि आराम से टेबल पर बैठे हुए बीड़ी पी रहा था। अब जाने भी दो, तुम लौट के आ गई ना बस। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। खजाना मिल गया क्या? खजाना? खजाना? मेरा जीना हराम हो गया है, अब खजाना नहीं मिलेगा, कर्मों का फल मिलेगा। तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या बात है? उस महान सिद्धि स्वामी के होते हुए हमें डर किस बात का? क्या हुआ? और कोई काम नहीं है क्या? बेटी, तुमने हमें पहचाना नहीं? अपने मामा लोगों को नहीं जानती? उस दिन रात को तेरी जान बचाने वाले मामा है हम लोग। कौन सी रात को? किसको बचाया था? इतनी जल्दी भूल गई बेटी? सिद्धि स्वामी ने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया था, तभी तो मैंने बचाया था। याद करो, हम दोनों ने तुम्हें बचाया था। तुम लोग सन्यासी हो? ये हम लोगों को पहचान क्यों नहीं रही? इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं पहचानती तो जाने दो। तुम क्यों भटक रहे हो? पेट का भूख मिटाने के लिए। उसके लिए कुछ काम करना चाहिए, ये जरूरी है क्या? हमें कौन नौकरी देगा, कोई हुनर सीखा ही नहीं। फिक्र मत करो, मेरे साथ स्कूल चलो, वहाँ पढ़ लेना। ओ मेरी प्यारी बच्ची, अब तो हम बड़े हो चुके हैं, स्कूल तो बच्चे जाते हैं। कौन कहता है कि तुम बड़े हो चुके हो? छोटे बोल बड़े। चुपचाप मेरे साथ चलो, मेरे साथ पढ़ाई करना। चलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, सिट डाउन। रखो, ये क्या है? दोनों बेंच के ऊपर चढ़ जाओ, हाथ बांधकर खड़े हो जाओ। तुम दोनों नए आए हो क्या? जी हाँ टीचर, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये तमिलनाडु से आए हैं। ओह, तभी तो ऐसे हैं। तुम्हें शंख और घंटी कहाँ से मिला, चुराया हो क्या? जी हाँ, नहीं। मैंने तुम्हें सिखाया था ना, झूठ नहीं बोलना और चोरी मत करना, सत्यम सदा धर्मम वदा,
बोलो बच्चों। सत्यम वादा धर्मम चारा, सत्यम वादा धर्मम चारा। शरणम शिक्षणम, शरणम शरणम, शरणम सिद्धे शरणम, शरणम गुरुदेव शरणम, शरणम शरणम गुरुदेव शरणम, शरणम शरणम गुरुदेव शरणम। मैंने चुप रहने को कहा ना, हाथ आगे बढ़ाओ। तुम लोग कौन? क्लास में कैसे आए? बच्चों को पकड़ने वाले चोर हो क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग चोर नहीं है। हम लोग वो सुबह में ये बच्ची मिली थी ना, हम लोगों ने ये बच्ची हम लोग जो इस गांव में कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। जो अभी हुआ तुझे याद नहीं है क्या? क्या हुआ? मेरा सर हुआ, हम लोग मार खाए भूल गए क्या? किसने मारा, क्यों मारा? अरे ये तुझे क्या हो गया है? अरे कितना देर हो गया, हम लोग फूल तोड़ने के लिए सवेरे से निकले हैं ना। हाँ, सर पे किसी ने मारा ऐसा लगता है। ये सब उस सिद्धि स्वामी के गलत काम करने का परिणाम है। लगता है हमारे पीछे किसी को लगाया तो नहीं है। पिताजी, अब इस साइकिल को बेच दो। साइकिल बेच दूंगा तो काम पर कैसे जाऊंगा मैं? काम पे जाने के लिए कार है ना? हमारे पास कार कहाँ है? बहुत जल्दी हमें कार मिलने वाली है। कल से मेरे पिताजी अमीर आदमी हो जाएंगे, तुम देखना मम्मी। पता नहीं क्यों जी, इसकी बातें जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे डर सा लगता है। उस दिन इसके गायब होने के बाद इस पर कुछ बुरा साया आ गया ऐसा लगता है। शिवा, सेठ जी की तबीयत बहुत खराब है, उनको हार्ट अटैक आया है, उन्होंने तुरंत तुमको अपने पास बुलाया है। मैं तुरंत उन्हें देख कर आता हूँ, चलो। सुन शिवा, मैं अब बच नहीं पाऊंगा, मेरी बीवी के सिवा मेरा कोई नहीं है। मुझसे पैसे मांगने वाले बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा वर्कशॉप तेरा है, ये मैंने वसीयत कर दिया है। ये सब जो खड़े दिख रहे हैं, इन लोगों ने मुझे सैकड़ों बार मुझे बुरा भला कहा है, जाने तो फिर भी तुम कभी इनका साथ मत छोड़ना, इनका साथ देना, साथ रहना, समझे बेटा? आखिर में वो हमारे अपने हैं ना, समझे बेटा? ए जैकी। जी कहिए। अरे तुम लोगों के पैसे मांगने पर अगर मैं पैसा देता तो ये वर्कशॉप आज नहीं बचता तुम्हारी नौकरी के लिए, समझे? आज से तू ही मेरा बेटा है। खजाना पाने के लिए मैंने कितना पैसा बर्बाद किया, कोई तंत्र मंत्र अभी तक काम नहीं आया। वो इनकम टैक्स वाले भी आए, वो भी कुछ बटोर कर ले गए। उधर वो शिवा कितना जल्द इतना बड़ा सेठ बन गया। बाप चंद्र मरते समय वसीयत में पूरी संपत्ति उसके नाम करके गया है। सिद्धि, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब देने का वक्त नहीं आया है। बड़े मालिक ये वर्कशॉप मेरे नाम कर गए हैं, लेकिन तुम लोग मुझे मालिक कभी मत समझना। ये सब हम सबकी मेहनत का फल है, यही समझना। मेरा भी यही ख्याल है। आजकल तुम आश्रम क्यों नहीं आती? एक दो बार सिद्धि स्वामी ने तुम्हें पूछा था। मेरा आश्रम में जाना मेरे आदमी को पसंद नहीं है। किसको? त्रिवेणी को? हाँ, देवी से बढ़के कोई नहीं होता, मेरे पति कहते हैं। ये बात सही भी तो है ना? ये लो सुनो, वो नलिनी है जो पिछले महीने अबू धाबी गया है, उसकी बीवी ने मंदिरों में कितनी पूजा की, फूल चढ़ाया, ये सब करके क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला।
मैं उसको स्वामी के पास लेकर गई थी। स्वामी जी ने उससे पूजा करवाई थी और वो अभी पेट से है। सच? एक मिनट रुको, मैं भी चलती हूँ। लेकिन ये बात उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, आदमी लोग को कैसे पता चलेगा? सर्वेश्वरी तेरी महिमा है, जय काली माँ। बैठिए सिद्धि, अभी आएंगे। गुरु प्रणाम। तुम्हारी सारी कामनाएं मैं पूरी करूंगा, मुझ पे भरोसा करो। महाकाली आओ। पूजा कहाँ करनी है? यहाँ बैठ जाओ, मैं सब समझा दूंगा। नहीं, मुझे जाना है। जजप्पा, गुजमुनी, गुजमुनी, गुजमुनी। तू बैठ इधर, चल। बैठो बैठो, क्या हुआ? क्या हुआ? वो स्वामी ने। हाँ मुझे बताओ। वो स्वामी नहीं, ढोंगी है, वो अय्याश है, धोखेबाज है। आश्रम में क्या क्या होता है ये मैं बता नहीं सकती। अच्छा हुआ, मैं काफी दिनों से मौके की तलाश में था। उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुझे गवाह की जरूरत थी। क्रोध, मोह, लोभ, ये सब इंसानियत का दुश्मन है। जिस दिन इन शब्दों का अर्थ लोगों के समझ में आ जाएगा, उस पर अमल करने लगेंगे, तभी जाके भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। हर मनुष्य को ये सच्चाई जानने के लिए सच्चे मन से अमल में लाना होगा, तभी ये संभव हो सकता है। वरना सब बेकार है, दिखावा है। लोग मेरे प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम लोग प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, साथ में ले आए हैं। इस तरह से बात नहीं करते हैं। मैं इसी तरह से बात करूंगा। एक गरीब मजलूम औरत की इज्जत लूटने की कोशिश की, उसके जुर्म तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। महामाई चातम पावम, इस तरह के पवित्र जगह पर इस तरह का बेहुदा शब्द बोलना ठीक नहीं होता है बच्चे। अगर इज्जत से नहीं चलेगा तो मुझे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे देवता को हाथ मत लगाना। हमारे लाश पर गुजरना होगा हमारे देवता को ले जाने के लिए। तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। ओम शक्ति। ए, जल्दी नीचे उतर, तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोग पीछे हटो, किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, समझा कि नहीं? ए, नीचे उतरो। गुरुदेव, क्या है ये सब? रुक जाओ, किसी ने मेरे खिलाफ कुछ अफवाहें उड़ा दी हैं। उसकी बातों में आकर इस बच्चे ने मुझे
अरेस्ट कर लिया है बिना सोचे समझे। ये कैसी बदतमीजी की है तुमने? तुम्हें पता है ये कौन है? ये क्या, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ पहले तुम कौन हो? नहीं पहचाना ना? मैं हूँ दामोदर पांडे MLA। इन्हें तुरंत छोड़ दो, नहीं तो अभी मैं होम मिनिस्टर को फोन कर दूंगा। सर पे टोपी नहीं दिखेगी? ओ, जब मैं पैदा हुआ था तब भी मेरे सर पे टोपी नहीं थी। अपने होम मिनिस्टर को लेके पुलिस स्टेशन आ जाना। ए, इसे जीप में डालो। हाँ चलो। मेरे जैसे इंसान ही तेरे जैसे ही इस वेशभूषा की इज्जत करते हैं, लेकिन ये पुलिस स्टेशन के लायक नहीं है, इसलिए तुझे इसको बदलना होगा। तुम क्या मेरा अपमान करना चाहते हो बेटा? हवलदार, इन्हें ले जाके दूसरे कपड़े पहनाओ, ले जाओ। चलिए स्वामी जी। तुम लोग इधर खड़े हो जाओ। तुम लोग स्वामी के शिष्य हो ना? हाँ। क्या नाम है? अंगप्पा स्वामी। ए, सही नाम बता। तेजप्पा स्वामी। चेहरे से तू एक नंबर का धोखेबाज लगता है। आश्रम में आने से पहले क्या करता था तू? ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम। तेरे मल्ले के आने से पहले अपनी ड्यूटी पूरी कर लो, यही सोच रहा हूँ। हे महामाई महाकाली भद्रे, ये क्या दिन दिखा रही है? इसे लॉकअप में ले जाके बंद करो। बहुत देखे ऐसे सिद्धि वाले। ए, चल बता। हमें मत मारो। आश्रम में जो कुछ हो रहा था हम सब बताने के लिए तैयार है। हमें मत मारो, हम लोग आश्रम में कभी नहीं लौट के जाएंगे। नहीं, हम लोग कभी नहीं जाएंगे, मर भी जाएंगे तो नहीं जाएंगे। सब कुछ सच सच बताओगे ना? बताएंगे सर। कोर्ट में भी बताओगे ना? जो भी कोर्ट होगा हम आकर बताएंगे। सिद्धि औरतों की इज्जत के साथ खेलता है ना? और तुम लोग? मैं शंख बजाता हूँ और मैं घंटी बजाता हूँ। उसके साथ घूमने के बजाय कोई इज्जत की नौकरी नहीं कर सकते हो क्या? हम लोग अपना पुराना धंधा ही करेंगे साहब। हेलो। यस सर। सर सर। यस सर। टेलीफोन आया होगा ना? आया। तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर भी पीछे से आ रहा होगा। ए, इसे छोड़ दो। स्वामी जी, मुझे इस बच्चे से कोई नाराजगी नहीं है। बिना जाने किसी को भी सजा नहीं देना चाहिए। काली तेरी रक्षा करे। ठीक है, ऐसा ही होने दो। उन लोगों में से कोई नहीं आया, इसलिए हम लोग कमेटी वाले ही जाके मिलेंगे। आज देवी की पूजा है ना, देवी की कथा प्रवचन उनके बगैर कैसे होगा? देवी की कथा मैं बताऊंगी त्रिवेणी,
ये क्या है बेटी, बड़ों जैसी इतनी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? ये तुम्हारी बेटी है ना, इसलिए ये बुद्धिमान है। बेटी डांस आता है ना? आंखों से देखे बगैर किसी को कुछ भी कहना गलत बात है, यही बुजुर्गों ने कहा है। जब से ये लौट के आई है तब से ये बहकी बहकी बातें कर रही है। वैसे बच्चे ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? देवी की कथा सुनाएगी यही कहा है ना? आप सबको शायद शक होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है देवी की कथा यही सुना सकती है। दुर्गा के सिवा दुर्गा की कथा भला और कौन सुना सकता है? स्वामी के बच्चे नहीं छोड़ूंगा तुझे। लक्ष्मी उल्टा धोखेबाज। जंगल के हैं, जंगल में शहद निकालने गए थे तो ये बच्ची हमें वहां झाड़ियों में मिली। होश में नहीं थी, बेहोश थी ये। इसके सर पर हमने पट्टी बांधी और दवा भी लगा दिया। कल रात को इसे होश आया, माँ बाप को याद कर रही थी ये। हमने इसे पता पूछा तो इस बच्ची ने हमें आप लोगों का नाम बताया। हम ढूंढते हुए इसे लेकर आ गए।